लिए अभी मैंने गन्ने का रस इससे लेना आया था मैं, ठीक है। तो ये मैंने ओरिजिनल गन्ने का करवाया बिना बर्फ का, तो इसका ये कलर आया, ठीक है, ये आपके सामने है। और इसने फिर ये बर्फ़ डाल के दिया है, तो इसका देखें ये कलर है। ये कलर क्यों आया इसका मैं आपको बता दूँ किस वजह से आया। ये पाउडर इसने डाला है, ये भी मैंने जब चेक किया ना तो ये पाउडर डाल रहा है, ये वाइट कलर का पाउडर, और ये ऐसा ख़तरनाक पाउडर है कि ये मेरे हाथ से जा नहीं रहा, जितना धोने के बाद भी ये मेरे हाथ से जा नहीं रहा, ये ऐसा ख़तरनाक पाउडर। और बोल रहा ये साकरीन है, ये कोई साकरीन नहीं है, ये कलर वाला पाउडर है और ये ख़तरनाक केमिकल है, ये आपके सामने है ये, ठीक है। और ये मोगल हाउस में ये बैठा हुआ गन्ने वाला, इसकी तस्वीर दिखाओ, ये गन्ने वाला मोगल हाउस में लगा के बैठा हुआ ये मशीन, तो ये आपके सामने है, बाकी आप खुद कर सकते हैं फिर इसके साथ क्या करना है। फिर ये पाउडर डाल के दे रहा है इसमें मशीन गन्ने में, ये पाउडर डाल के बेच रहा है, और बोल रहा है कि ये पाउडर डाल के अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मैं 50 रुपये गिलास दूंगा, और ये पाउडर डाल के दूंगा तो मैं 30 रुपये गिलास दूंगा, ये इसका कहना है। अच्छा, हाँ भाई यही बोल रहा था अभी, यही बोला था महंगी है, चीज़ महंगी बोल रहा है, तो 2 नंबर बेचेगा और लोगों को बीमार करेगा, वो सही है। ये पाउडर ये केमिकल नहीं है, ये क्या है फिर? ये भाई इसके अलावा नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? इसके अलावा नहीं पीते भाई। अब ये आपके सामने है, ये आपके सामने, ये देखो जी, ये ओरिजिनल है गन्ना, ये केमिकल वाला गन्ना है, ये गिलास, ये दो आपके सामने है, और ये लोगों को बीमार कर रहा है यहाँ पे, लोगों का क्या हाल होगा वो आपके सामने है, बाकी आप लोग के ऊपर है फैसला।